एक महिला अपने प्रेमी से इस कदर नाराज होती है कि जब उसका प्रेमी उसको धोखा देता है तो वो अपने प्रेमी को मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके पहले बिरयानी बनाती है और बिरयानी बनाने के बाद वो पास में ही काम कर रहे मजदूरों को उस बिरयानी को खिला देती है। वो मजदूर भी बड़े चाव से उस बिरयानी को खाते हैं और उस बिरयानी को खाकर वो उस महिला की तारीफों के पुल बांधने से भी नहीं रुकते। लेकिन जब लोगों को ये मालूम चलता है कि जो बिरयानी उस महिला ने खिलाई थी वो बिरयानी दरअसल न मुर्गे की थी, न बकरे की थी, ना फिर भैंस की थी, बल्कि वो बिरयानी इंसानी मांस के थे। नमस्कार, मैं हूँ देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज क्राइम सीरीज खलनायक में हम आपको एक ऐसी ही खतरनाक महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं। UAE की रहने वाली एक महिला थी जो कि इस घटना को अंजाम देने के बाद वो उस समय रातों रात चर्चा में आई थी। दरअसल जिस महिला की हम बात कर रहे हैं वो महिला दुबई के किसी पॉश इलाके में रहती थी और उसका एक वहीं पर एक लड़के से अफेयर चल रहा था और ये अफेयर करीब 7 सालों तक चला है। इसे हम रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। वो महिला उस लड़के के साथ 7 सालों से रिलेशनशिप में रहती थी और वही फिर घूमना फिरना, मौज मस्ती, सब कुछ चलता था। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे और ये सब शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि इन बातों को धीरे धीरे 7 साल बीत गए, बहुत सब कुछ अच्छा था। लड़का भी अपना कहीं नौकरी करता था, लड़की भी कहीं नौकरी करती थी, दोनों मिलजुल के रहते थे, रिलेशन में रहते थे। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब महिला के प्रेमी का दिल उस लड़की के एक रिश्तेदार पे आ जाता है। अब यहीं से पूरी बात बिगड़ जाती है। अब वो साफ उस लड़की से मना कर देता है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तो अब उससे प्यार करता हूँ, XYZ ब्ला 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 जो भी है, आप समझ लीजिए कि वो लड़की प्यार में धोखा खा चुकी थी क्योंकि अब उसके बॉयफ्रेंड को कोई और लड़की पसंद आ गई थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की रिश्तेदार थी। महिला को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने साथ हुए इस धोखे का बदला लेने के लिए एक योजना बनाती है और उस योजना को अंजाम देने के लिए जो वो सब कुछ आगे करती है वो बहुत डराने वाला है। दरअसल जो लड़का उसका प्रेमी है वो भी वहीं का रहने वाला था और उसका भी एक छोटा भाई है, घर वाले हैं, माता पिता सब लोग हैं। तो एक दिन वो रातों रात गायब हो जाता है। अब वो जब गायब हो जाता है, घर नहीं पहुंचता है, तो घर वालों को चिंता होती है कि भाई कल से लड़का घर नहीं आया, कहां गया, लोग उसकी तलाश में निकलते हैं, खोजते हैं उसको। अब उसका छोटा भाई हर जगह जाता है, जहां भी उसे मालूम होता है कि उसका भाई जा सकता है या फिर जहां भी उठता बैठता है हर जगह वो जाने की कोशिश करता है, खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलाश कहीं नहीं खत्म होती है क्योंकि वो लड़का नहीं मिलता है। और वो लड़का मिलता भी कैसे, वो तो इस दुनिया में था भी नहीं। तो उस लड़की के बारे में सबको पता रहता है कि 7 साल हो गए इन दोनों के रिलेशनशिप को। तो लड़का पहुंचता है उस लड़की के पास, यानी कि अपने भाई के प्रेमिका के पास पहुंचता है और उससे भी पूछता है कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, क्या कुछ पता है वो कहां गया है, कल से घर नहीं आया है। लड़की भी बोलती है कि मैं तो बहुत परेशान हूं उसके लिए, कल से मेरा भी फोन नहीं लग रहा है, मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद वो लड़का उसके घर के अंदर जाता है, वहां पर भी बैठता है, सोचता है जब यहाँ पर आया हूँ तो फिर यहाँ भी देख लेता। हो सकता है कि उस लड़के के मन में कहीं ना कहीं इस बात का शक तो ज़रूर था कि हो ना हो ये जो महिला है इसी ने कुछ किया होगा, इसको कुछ जानकारी या तो होगी इस बात की। ऐसे करते करते वो उस महिला के घर के अंदर पहुँच जाता है और किचन में जब जाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा ग्लाइंडर रखा रहता है। अब वो ग्लाइंडर इतना बड़ा था कि जो कि एक आम इंसान के घर में तो उतना बड़ा ग्लाइंडर नहीं होता है, आमतौर से जो बिजनेस करते हैं कमर्शियल यूजर्स के लिए होता है इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ पर उतने बड़े मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। घर में कोई उतना बड़ा मिक्सर इस्तेमाल नहीं करता। तब उसका माथा ठनकता है, वो पूछता है उस महिला से कि इतना बड़ा मिक्सर, इतना बड़ा ग्लाइंडर आप मतलब क्या करती हैं इतने बड़े ग्लाइंडर का। उसने कहा कि मैं तो खाना बनाती रहती हूँ और कभी कभी मन करता है तो इसमें बना लेते हैं, इसीलिए उसने शायद खरीदा है। लड़के का जो शक होता है ना वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। वो उस मिक्सर को खोल कर देखता है तो उसमें एक हड्डी का टुकड़ा मिलता है, हड्डी का टुकड़ा कहें या फिर इंसानी दांत कहें। वो निकालता है उसको और जब वो अपने हाथ में लेता है तो दांत देखता है तो उसका शक कहीं ना कहीं यकीन में बदलता हुआ दिखाई देता है। अब वो उस लड़की से सवाल करता है कि आखिर ये दांत किसका है। लड़की इतना देखते ही हड़बड़ा जाती है और कुछ बोल नहीं पाती है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और जब उसका DNA टेस्ट कराया जाता है तो वही उसका प्रेमी
जो था उसी का ये दांत बताया जाता है। जब पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो जो खुलासे होते हैं, जो महिला बताती है, वो वाकई में चौंकाने वाले होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बताएं आपको, तो उस महिला ने उस वक्त पुलिस की पूछताछ में ये कहा था कि 7 साल के रिलेशनशिप में जब उसे धोखा मिला तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इस खौफनाक कांड को अंजाम देने की पूरी योजना बनाई। अब इसी योजना के तहत उसने अपने प्रेमी की पहले हत्या की और हत्या करने से पहले उन दोनों का जमकर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और फिर उसके बाद खाना खाया उस लड़के ने। खाने में दरअसल कुछ नशे की चीज मिलाई गई थी। खाना खाते ही वो लड़का सो जाता है और जब वो लड़का सो जाता है तब उसका गला दबाया जाता है उस महिला द्वारा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। जब वो महिला उस लड़के की यानी कि अपने प्रेमी की हत्या कर देती है, हत्या करने के बाद जब थोड़ा होश में आती है, दरअसल ये सब कुछ वो लोग करते हैं जो अपना होशो हवास पूरी तरह से खो चुके होते हैं। जब उस महिला ने उस अपने बॉयफ्रेंड की हत्या की तो वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं थी, उस पर तो बदला लेने का एक जुनून सवार था तो उसने बदला ले लिया। लेकिन जैसे ही वो बदला पूरा कर चुकी तब उसे याद आया कि उसने क्या किया। अब उसको उतना बड़ा शरीर छिपाने के लिए कोई जुगाड़ करना था। सबसे पहले अपना ज्वेलरी जो होता है वो बेचती है और सब कुछ बेच कर वो आती है और बड़े बड़े चाकू लाती है, ये ग्लाइंडर लेके आती है और हर वो ज़रूरी सामान लाती है जो इस लाश को छिपाने में उसकी मदद कर सके। उसके बाद सबको आराम से चाकू से कई टुकड़ों में उस लाश को काटती है। लाश को कई टुकड़ों में काटने के बाद उसको ग्लाइंडर में डालती है और फिर उसका कबाब बनाती है, बिरयानी बनाती है और कई सारी डिश बनाती है। अब वो सोचती है कि इतना ज़्यादा खाना बन चुका है तो खाएगा कौन। तो दरअसल पास में ही कई सारे मजदूर होते हैं, 25 से 30 मजदूर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। वो उन मजदूरों के पास जाती है और कहती है कि आज आप लोग खाना मेरे घर पे खाइएगा दोपहर का। मजदूर भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उससे पहले भी उस महिला ने कई बार इन लोगों को खाना खिलाया था। वो मजदूर पाकिस्तानी मजदूर थे। वो मजदूर भी पहुँचते हैं वहाँ पर और खाना खाने के लिए बैठते हैं। जब वो मजदूर खाना खा रहे होते हैं तो इस दौरान उन्हें ये नहीं मालूम चलता है कि ये इंसानी गोश्त का बिरयानी बना हुआ है। उसके बाद वो लोग खा के तारीफ करके वापस चले जाते हैं। इस तरह से वो महिला अपने बॉयफ्रेंड को मार के उसका बिरयानी बनाकर लोगों को खिला देती है और किसी को कुछ भी नहीं मालूम चलता। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है तो जिन जिन लोगों ने उस बिरयानी को खाया था उन लोगों को लगातार उल्टियाँ होने लगी, क्योंकि ये बात कोई भी हजम कर सकता है कि मुर्गे की बिरयानी है, बकरे की बिरयानी है या फिर किसी और चीज़ की बिरयानी है। लेकिन जब किसी को ये मालूम चलता है कि हम जिस बिरयानी को खा रहे हैं वो इंसानी गोश्त है, इंसानी गोश्त, इंसानी इंसान के शरीर का टुकड़ा उसमें मिला हुआ है, तब जाके ये इस तरह से इसका स्वाद आ रहा है, तो आदमी सोचिए क्या होगा। कोई वैशी पिशाच या फिर आप जो कुछ कह लीजिए वो भी शायद ही ऐसा कर सकता हो। फिलहाल उस महिला को अभी जेल में रखा गया है और उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है। अंत में जिस तरह से हम लगातार ये मैसेज भी देते हैं कि क्राइम की कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम आने वाले खतरों से बचने के लिए ऐसी खबरों को देखकर आगाह तो ज़रूर हो सकते हैं। क्योंकि जो उस महिला ने किया, अगर मान लीजिए 7 साल का रिलेशनशिप उसका टूट गया तो वो और भी कई सारे रास्ते थे जो वो बदला ले सकते थे। हालांकि बदला लेना कहीं से भी नहीं सही होता, लेकिन कानूनन रूप से वो बदला उससे बड़े आराम से बहुत ही आसानी से ले सकती थी, जो कि उसने ऐसा नहीं किया। उसको ऐसा करना चाहिए था। अगर उसने ऐसा किया होता तो शायद वो लड़का भी जिंदा होता और ये लड़की भी जेल के बाहर होती और इतना बड़ा जघन्य अपराध जो उसने किया वो नहीं हो पाता। खबर पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस तरह की कहानी अगर आपको सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लगातार इस तरह की कहानी रोज़ रात 7:30 बजे आपके साथ लेकर आएंगे।